वन बच्चा हो तो कल उन्होंने कहा था बच्चों मैंने आपसे सुसन और आपसे सुसन उसके बच्चों उन्होंने अलग परिभाषा ही लिखा था ना ओके अब चगला है जो हम लोगों को स्त्री पदार्थ तथ्य और जीवन शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि बच्चों सो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पॉजिटिव टाइप के लिए आवश्यकता से अधिक खाए गए पदार्थ कार्बो पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायु में ग्लाइकोजन के रूप में समृद्ध हो जाता है आपको बच्चों कोई भी चीज़ बच्चों जब हम जितना खाते हैं हम जो भी खा रहे बच्चों वो अगर ऊर्जा के रूप में उपयोग हो रहा था तो ठीक है बच्चों लेकिन आप जितना खा रहे बच्चों उतना अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी यानी काम नहीं कर रहे या कुछ ऐसा चीज बच्चों जिससे जो ऊर्जा शरीर यूज नहीं कर रहा बच्चों जब ऊर्जा शरीर यूज नहीं कर रहा क्या बच्चों वो ऊर्जा हमारे बॉडी में जमा हो जाएगा जिससे हम लोग बोलते हैं आम बोल कर चर्बी बच्चों मोटापा भी क्योंकि आप खा तो रहे बच्चों ऊर्जा का है ओके शरीर में ऊर्जा है लेकिन हम उस ऊर्जा को यूज ही नहीं कर रहे बच्चों उतना फिजिकल काम नहीं कर रहे ना तो कोई एक्सरसाइज कर रहे ना एक्टिविटीज के जो बच्चों कोई काम नहीं कर रहे तो बॉडी में बच्चों ऊर्जा जमा होती जाएगा और फिर वो मधुमेह और मोटापा बच्चों मोटापा की बीमारी इसलिए बच्चों बॉडी में जो शरीर में जो ऊर्जा यूज नहीं हो पाता है अधिक मात्रा में जमा जाता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में तो आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बो पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया तो अगर जरूरत से ज़्यादा अगर आप खाना खाते बच्चों और उसका यूज नहीं करता तो हमारे बॉडी में यकृत बच्चों लीवर और स्नायु मांसपेशियों में बच्चों क्या होता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा जाता है ठीक है बच्चों कल देखे बच्चों ने प्रोटीन की परिभाषा अमीनो अम्ल के कई अणु बच्चों मिलकर आपस में क्या करते हैं महाणु बनाते हैं उधर प्रोटीन अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बच्चों बनने वाले महाअणु को क्या कहते हैं लोग प्रोटीन कहते हैं बच्चों प्राणी जन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीनों को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है प्राणी जन्य अंडे चिकन मांस और जो क्या कहते हैं मच्छी मुझे पानी आ रहा ये सब बच्चों फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है ऐसे दलहन वाली चीजें में बच्चों प्रोटीन होता है फिर यानी अंडे में अंडा है बच्चों चिकन मटन में भी दलहन मैंने बोला था बच्चों क्योंकि दलहन में शाकाहारी बच्चों आप लोग मांसाहारी आप लोगों का नाम बता दिया मैंने और प्रोटीन से करीब बच्चों 4 किलो कैलोरी ऊर्जा कार्बो से कितना मिलता था बच्चों कार्बो से भी हम लोग 4 KL KCL था बच्चों 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम बच्चों 1 ग्राम प्रति ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है कार्बोज में भी बच्चों कार्बोज प्रति दोनों में भी समान ऊर्जा स्रोत है ओके प्रोटीनों का पाचन होने पर डैश बनता है प्रोटीनों का पाचन होने पर बच्चों अमीनो अम्ल बनता है बच्चों कुछ याद है कल का परसों का चेक कर लेंगे चार्ट बच्चों चार्ट देखो प्रोटीन का पाचन होने पर अमीनो अम्ल बनता है ऐसे पदार्थ पाचन होने पर स्थिर अम्ल बनता है क्या बोल रहे हैं यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग को उसका अमीनो अम्ल क्या होता है बच्चों शरीर के द्वारा अवशोषित होने के बाद शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचता है हमारी कोशिका और मांसपेशी है बच्चों उसका यूज करता है बच्चों अलग अलग अंग और कोशिकाओं इन अमीनो अम्ल से उन्हें या शरीर को आवश्यक प्रोटीन प्राप्त करते हैं और फिर बच्चों शरीर के जो अलग अलग अंग बॉडी पार्ट से बच्चों वो प्रोटीन के जो भी घटक है बच्चों उसका उपयोग करता है अपने कार्य को करने के लिए ओके बच्चों अब बच्चों कुछ दिया हुआ प्रोटीन के अलग अलग प्रकार बच्चों प्रोटीन के अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों जैसे दिया त्वचा मेलानिन रंग द्रव्य और केराटिन बच्चों हमारे त्वचा का रंग का बच्चों ये प्रोटीन के ऊपर निर्भर करता है ओके अब स्किन ब्लैक है एकदम वाइट है एकदम कुछ ज्यादा ही वो ब्रिटिश फॉरेनर लोगों की तरह है तो शरीर में मेलानिन रंग द्रव्य और केराटिन बच्चों तो हमारे शरीर के जो त्वचा है त्वचा का रंग द्रव्य बच्चों वह प्रोटीन की वजह से होता है प्रोटीन में कौन सा बच्चों मेलानिन और केराटिन मेलानिन रंग द्रव्य और केराटिन नाम प्रोटीन होता है बच्चों जो हमारी त्वचा में के लिए उपयोगी होता है ओके
हड्डियों में कुछ आसीन आसीन नामक संप्रेरक पाया जाता है जो प्रथम के अंदर और ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है, हड्डियों के लिए काम करता है, उपयोग किया जाता है। कोशिका बच्चों पृथ्वी पटल में प्रोटीन के विभिन्न प्रकार बनाते हैं। कोशिका का जो पृथ्वी पटल पटल मतलब जो है उसका जो घेरा जो कवच है कि उस घेरे और कवच के अंदर अरे कोशिका का निर्माण करने के लिए बच्चों इस द्रव्य का उपयोग होता है। तो कोशिका पृथ्वी पटल में प्रोटीन के विभिन्न प्रकार बच्चों इंसुलिन और ट्रिप्सिन तो स्वाद ग्रहण से बच्चों दो संप्रेरक निकलते हैं इंसुलिन और ट्रिप्सिन। इंसुलिन की वजह से बच्चों हमारा जो ब्लड प्रेशर है हमारा जो शुगर है बच्चों वो कंट्रोल मिलता है। जैसे बच्चों जिसको शुगर की बीमारी है उनको इंसुलिन का अलग से दवा यूज करना पड़ता है। लेकिन जो प्रतिदिन का हम इसका स्वाद पिंड बराबर बच्चों जो प्रतिदिन रेगुलरली अच्छे से कर लेता है शरीर में कि उसे शुगर की कोई बीमारी वगैरह नहीं बच्चों क्योंकि इंसुलिन और ट्रिप्सिन उसके शरीर में बनता रहेगा। पीयूसी की ग्रंथि पर जो विविध संप्रेरक भोजन को पाचन करने के लिए बच्चों अलग अलग केमिकल की जरूरत पड़ता है। केमिकल सर यस संप्रेरक संप्रेरक मतलब केमिकल बच्चों ओके और ये सारे केमिकल बच्चों पीयूस ग्रंथि में मिलते हैं। फिर जो स्नायु के अंदर एक्टिन या मायोसिन के लचीले प्रतिरोध बच्चों एक्टिन और मायोसिन लचीले प्रतिरोध बच्चों जो हमारी त्वचा को मजबूत करता है हमारी त्वचा को ग्लो करता है जो लोगों की त्वचा है वो खुदरा आता है रंग जो लोगों की त्वचा चमकदार होता है तो एक्टिन और मायोसिन नामक लचीले प्रतिरोध की वजह से ही त्वचा के रंग निखार और त्वचा पे स्किन का ग्लो है चमकना दिखता है। और रक्त में बच्चों हीमोग्लोबिन और प्रतिपिंड तो रक्त में बच्चों हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मतलब बच्चों लाल रक्त का रक्त में दो कण होते हैं बच्चों एक श्वेत कण होता है सफेद और एक लाल रक्त। लाल रक्त का काम है ऊर्जा देना सफेद रक्त का काम बच्चों विषम विषम करना विषम विषम मतलब बीमारियों से लड़ना। बच्चों ये सब बच्चों हमारे शरीर में प्रोटीन के अलग प्रकार प्रोटीन के पाचन होने के बाद बच्चों ये सब अमीनो अम्ल के भाग है का पाचन क्या बनता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के अलग प्रकार अलग अलग शरीर के अंगों में क्या क्या काम करता है त्वचा के लिए क्या है मेलानिन और केराटिन। हड्डियों के लिए बच्चों आसिन है। कोशिका के लिए बच्चों पृथ्वी पटल के प्रोटीन बनते हैं। स्वादुपिंड में बच्चों इंसुलिन और ट्रिप्सिन है। पीयूष ग्रंथि में बच्चों अनेक तरह के संप्रेरक बच्चों स्नायु में एक्टिन और मायोसिन है बच्चों और रक्त के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन ये सब बच्चों अमीनो अम्ल के द्वारा ही बनाया जाता है। बच्चों ये बच्चों ये था आपका प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है बच्चों तभी हमने ऊपर पढ़ा बच्चों अंडे मांस चिकन मटन इसके अलावा दलहन वाली चीज़ें बच्चों दलहन वाली चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त होता है। बच्चों चलो मैं आगे बच्चों स्निग्ध पदार्थ बच्चों स्निग्ध पदार्थ बच्चों पचाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी देखते बच्चों गाँव में शादी ब्याह में लोग जाते हैं ओके ना शादी ब्याह में जाते हैं और दस दस बीस तीस तीस पूड़ी खाते हैं बच्चों पूड़ी तो खा लेते हैं आपका ऑफिस सुबह लोटा लेके जाते हैं सारा लगू ना ठीक है बच्चों ऑयली चाहिए ऑयली चीज है बच्चों मतलब स्निग्ध पदार्थ और स्निग्ध पदार्थ बच्चों ऑयली चीज होने की वजह से ये जल्दी पचता नहीं बच्चों हमारे से इससे बच्चों स्निग्ध पदार्थ की मात्रा हमारे बॉडी में बहुत कम होना चाहिए। दाल में घी डालना क्या करते हैं दाल इतना घी इतना डालते हैं एक चम्मच ठीक है बच्चों ऑयली चीज का मात्रा कम होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे देता है बच्चों ठीक। और देखिए बच्चों कार्बोज और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा था ना इसलिए पदार्थ से बच्चों हम लोग को 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाए क्या मतलब बच्चों 9 किलो कैलोरी ऊर्जा सीधे डबल से ज़्यादा बच्चों। तो कार्बोज का अगर आप प्रतिदिन में 2 ग्राम खाऊंगा बच्चों तो स्निग्ध का 1 ही ग्राम से मुझे मिल जाएगा बच्चों क्यों जा
इसमें अब और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। हमारे द्वारा सेवन के लिए इसी पदार्थों का पाचन तथा अजिका स्निग्ध अम्ल में और अल्कोहल में रूपांतरित होता है। इसलिए पदार्थों का पाचन करने के बाद स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल रूपांतरित होता है। इसलिए अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, जो जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके अनेक आवश्यक पदार्थ को निर्मित करता है। और इसमें अम्ल पर बच्चों शरीर के अगर अंगों में जाता है और आवश्यक जो भी ऊर्जा बनता है, जैसे कोशिका का प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु का अस्पताल होता है। कोशिका का प्रद्रव्य हमारी कोशिकाएं जो होती है उसके जो बाउंड्री बनाने का काम, जो घेरा बनाने का काम होता है बच्चों, उसके लिए क्या करते हैं लिपिड नामक एक अणु अणु का अस्पताल होता है। और ये लिपिड किससे बनता है, इसलिए अम्ल से बनता है। ओके, इसके अलावा बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोल्डोस्टेरॉन जैसे संप्रेरक तंत्र की कोशिका के अक्ष तंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए इसमें अंगों का उपयोग करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बच्चों ये सब क्या है, मनुष्य के बच्चों दो जो हिस्से हैं, नर और मादा बच्चों, पुरुष और स्त्री बच्चों, उनके शरीर में इन दोनों अंगों का चीज संप्रेरक का बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। प्रोजेस्टेरॉन बच्चों पुरुषों के लिए और एस्ट्रोजन बच्चों स्त्रियों के लिए। ओके, ये आगे के चैप्टर में आएंगे बच्चों इन संप्रेरक का उपयोग। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और कोल्डोस्टेरॉन बच्चों ये संप्रेरक है बच्चों, जो किससे बनता है बच्चों, स्त्री पदार्थ से बनता है। ओके, तंत्र कोशिका के अक्ष तंत्र के चारों ओर आवरण बनाने के लिए स्त्री का उपयोग। इसके अलावा कोशिका के चारों ओर बाउंड्री बनाने के लिए भी बच्चों स्त्री पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। बच्चों स्त्री पदार्थ हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। प्रति ग्राम बच्चों 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम जो इतना ऊर्जा हमें मिलता है। ओके, रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्त्री पदार्थ चर्बी युक्त शरीर तक ऑयली चीजें और ज्यादा खाएंगे बच्चे, सब ऊपर बढ़ जाए बच्चों प्रोटीन, अगर उसको आवश्यकता से अधिक ज्यादा ग्रहण करते बच्चों तो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। वैसे बच्चों अगर इसी पदार्थों को हम लोग और अगर आवश्यकता ज्यादा यूज करेंगे खाएंगे बच्चों तो चर्बी शरीर तक रूप में जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका स्त्री पदार्थ के बारे में। कार्बन पहले पढ़ चुके बच्चों हम लोग, अभी प्रोटीन और स्त्री हुआ बच्चों। आगे है जीवन सत्व बच्चों, क्या बच्चों जीवन सत्व, तो जीवन सत्व या विविध रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करता है। जीवन सत्व बच्चों हमारे बॉडी की अलग अलग अंगों के लिए जरूरी है। जैसे बच्चों कान का काम क्या है, सुनना, आंख का काम क्या बच्चों, देखना, बच्चों नाक का काम सुनना, ये सब जो ज्ञानेंद्रिया बच्चों हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रिया बच्चों आँख नाक कान त्वचा जीव, तो सभी शरीर के अंग भी जो है बच्चों उसको सुचारू रूप से सिस्टमेटिक ढंग से अपना काम कर सके बच्चों, इससे जीवन सत्व की आवश्यकता है। तो जीवन सत्व या विविध रासायनिक पदार्थ का ऐसा समूह जिससे प्रत्येक पदार्थ को शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने का आवश्यकता है, इसे जीवन सत्व को। जीवन सत्व किसे कहते हैं बच्चों, जीवन सत्व या विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर बच्चों शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में मदद करता है बच्चों, इसे हम लोग जीवन सत्व कहते हैं। ये टोटल छह प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, छह प्रकार, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, जीवन सत्व ए, जीवन सत्व बी, जीवन सत्व सी, जीवन सत्व डी, जीवन सत्व ई, अपने बाद जीवन सत्व के बच्चों। ओके, उसमें से बच्चों जीवन सत्व ए बी सी डी ई के, ओके, उसमें बच्चों जीवन सत्व ए बी ई और के, ये चार जो बच्चों वो स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील होते हैं, स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील होते हैं।
और जो बी और सी है जो ये पानी में घुलनशील जीवन सत्व बी और सी जो जो वो पानी में घुलनशील होता है और जीवन सत्व बच्चों ए डी ई के जो ए इसलिए पदार्थ में घुलनशील होता है बच्चों ए डी ई के इसी पदार्थ में घुलनशील है और बी और सी का बच्चों जल में घुलनशील है पानी में ग्लूकोज का विघटन और फिर जंग की मात्रा अभिक्रिया में FADH2 और NADH2 बनते हो जो उनके निर्माण में राइबोफ्लोविन हो जीवन सत्व B2 हो चुका और जो जीवन सत्व जो B है तो उसके अलग प्रकार है जीवन सत्व B2 हो जो राइबोफ्लोविन में और जीवन सत्व B5 हो जो ये निकोटो निकोटी नामाइड हो जो निकोटामाइड ये जो मित्र है दो जीवन सत्व B2 राइबोफ्लोविन राइबोफ्लोविन और निकोटामाइड में जो B5 ये जब जो जीवन सत्व बच्चों बहुत आसानी पदार्थ का समूह जो शरीर के अलग अंगों को निश्चित कार्य करने के लिए होता है सत्व होता बच्चों सो जीवन सत्व जो जो जीवन सत्व ए बी सी डी ई के चार तरह के बच्चों छह तरह के हैं उसमें से ए डी ई और के ये एक पदार्थ में घुलनशील होता है और जबकि बी और सी जो होता है जो पानी में घुलनशील होता है ओके इससे जो ज़्यादा जो जीवन सत्व बी और सी है जो ये सब्जियों और फलों में होता है हरी सब्जियों और फलों में तो अक्सर लोग बच्चों क्या बोलते हैं सुनते हैं कि सब्जियों को पहले उसे धो के फिर काटना चाहिए काट के धोना नहीं चाहिए बहुत सारे लेडी बच्चों क्या करते हैं पालक काटते फिर धोते भिंडी काटते फिर धोते जो काट के धोने की बात करता है बच्चों जो जीवन सत्व उसके अंदर पानी में घुलनशील वाला जीवन सत्व है बी और सी वो पानी में जल्दी घुल के बच्चों वो आधा धुका गया फिर फायदा क्या बच्चों इससे पहले धो के फिर काटना चाहिए ताकि उसका जीवन सत्व बना रहे क्योंकि हरी सब्जी और फलों में जीवन सत्व बी और सी जो होता है वो पानी में घुलनशील रहता है और जैसे काटने के बाद फिर धोने बच्चों तो उसका पानी में जो घुलनशील है पानी घुल जाएगा भूल जाएगा फिर पानी फेंक दिया फेंक उसके साथ जीवन सत्व भी चला गया बच्चों जीवन सत्व होते हैं उसके बाद पानी बच्चों हमारे शरीर में नंबर था पानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे शरीर में साधारणतः 75% से 75% पानी 70% पानी होता है हमारी बॉडी में जो 65 से 70 उधर दिया बच्चों 80% का पानी होता है हमारी बॉडी के अंदर जो 80% तक पानी जाता है क्योंकि प्रत्येक कोशिका में कोशिका के द्रव्यमान में लगभग 70% पानी होता है और जो कोशिका जो नसे नसे पकड़ाता है जो नहीं वो पानी में जो 70% भाग पानी होता है अगर सुनते हो डॉक्टर से आए इसको नसे नहीं मिल रहा है ओके ब्लड लेने के लिए ना घोघरा चाहिए मिलेगा उनको चढ़ाने के लिए नसे इधर होता है होता है होता है क्योंकि बच्चों नस पानी है बच्चों है ना और रक्त में भी रक्त द्रव के 90% भाग पानी है और हमारे ब्लड में भी 90% से क्या पानी का ही है शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी हो जाने पर बच्चों कोशिका और उनके अधिक शरीर के काम करेंगे यस तो अगर बॉडी में पानी ना रहे बच्चों तो शरीर का सारा काम हमारे सिस्टम है बच्चों इसे ले लो अभी एक दो हफ्ता पहले पानी नहीं आया था एक हफ्ता पहले पूरा घर का सिस्टम बदल गया था बच्चों कैसे काम करें क्या करें वैसे बॉडी में जब पानी नहीं रहे तो पूरा काम करने का सिस्टम बदल जाएगा बच्चों इससे पानी होना बहुत जरूरी है ओके खूब पानी पियो 6 गिलास 7 लीटर 7 गिलास पानी जरूर पियो तो 10-12 गिलास पियो तो कम नहीं पियो अच्छी है अदा पानी भी एक आवश्यक पोषक तत्व है इसके अलावा एक होता रेशेदार पदार्थ तंतु में पोषक तत्व तंतु में पदार्थ तंतु में तो रेशेदार होते रेशा पालक जो पालक भिंडी में सोयाबीन ये सब रेसे वाले पदार्थ रेसेदार पदार्थ जो हम लोग मनुष्य जब पचा नहीं पाता उसका पाचन का जितना मजबूती है रेसेदार पदार्थ पचेगा लेकिन रेसे पदार्थ हमारे शरीर को बहुत जरूरी था बच्चों कि रेसेदार पदार्थ की वजह से बाकी जो पदार्थ हम जो खाना खाते बच्चों उसका पाचन करने में वो मदद करता है रेसेदार पदार्थ जो डायरेक्ट पचता नहीं जल्दी बच्चों मनुष्य नहीं पचा पाता लेकिन रेसेदार पदार्थ खुद भले ना पचे बच्चों लेकिन दूसरे हमारे कुछ पदार्थों को पचाने में मदद करता है ओके
सही पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तंतुमय पदार्थ यानी रेस का पदार्थ, वैसे तो रेस तंतु पदार्थों को हम पचा नहीं सकते, रेसा पदार्थ पचता नहीं हमारे से, परंतु अन्य पदार्थों के पाचन क्रिया में और अपचित भोजन पदार्थों को बाहर निकालने में भोजन पचता नहीं बच्चों वाला जो भोजन पदार्थ अन्य पदार्थों से और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में बच्चों रेसिका पदार्थों का महत्वपूर्ण रोल होता है। निकालने के क्रिया में उनकी महत्वपूर्ण सहायता होती है बच्चों। हरी सब्जियां, फल, अनाज जैसे अनेक मात्रा में रेसिका पदार्थ होते हैं, सोयाबीन है, हरी सब्जियां बच्चों, फल है, सब कुछ रेसिका पदार्थ होते हैं। रेसिका पदार्थ का काम क्या बच्चों, भोजन पदार्थ को पाचन करने में मदद करना बच्चों। ये सब बच्चों आप लोग टेंस को अच्छे से याद करोगे बच्चों, पढ़ोगे बच्चों को अच्छे से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछो बच्चों के। तो इतना मैं आपको पेंसिल से टिक कर दिया हूँ बच्चों, आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं कि चार्ट के याद थे बच्चों, पूरा पैराग्राफ इधर का पैराग्राफ बच्चों, जीवन सत्व और पाली बच्चों और पोषक तत्व ठीक। इतना मैंने आज कराया बच्चों, आप उसका दो रीडिंग, तीन रीडिंग, चार रीडिंग और जो पेंसिल से अंडरलाइन किया बच्चों उसको अच्छे से याद करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि याद करना तो मालूम ही नहीं पड़ा, खासकर वो अभिषेक है ना, ध्यान रखना जो भी पेंसिल से टिक किया वो याद करना ठीक।